मैं जनाब तारिक भट्टी साहब और गुजारिश कर सा कि सब तो पहले स्टेज ते आसन सानू अपने कोई ख्याल मां बोली दे हवाले नाल और अजकल पंजाबी कान बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जी। हर सूफी शहर का जड़ा है उन्होंने बल्कि सानू भी उन्होंने समझ बूझ दे रहे हैं जनाब तारिक भट्टी साहब। साड़ी आज बड़ी खुशी और साड़े वास्ते बड़ा माण है कि साड़े पंजाबी दे बड़े महान शायर आज साड़े दरम्यान मौजूद ने जिन्हां कोलों असीं उन्हां दा सोहना कलाम सुणांगे। मैं एक दो गल्लां करना चाहना वा। वैसे मैं कागज़ से कुछ ऐवां लिखियां ने, वह सिर्फ फिगर्स ने कुछ जो तुहाडे नाल शेयर करांगा। पहली गल तो यह कि जिहड़ा अज असीं इकट्ठे होए हाँ इहदी वजह सानूं सारिआं नूं पता है कि पूरी दुनिया के 21 फरवरी नूं आलमी अकवामे मुतीदा की करारदादा और उन्होंने फैसलों की रोशनी दे विच मां बोली का दिन मनाया जाता है। ये दिन अकवामे मुतीदा ने क्यों चुनिया, ये पिछली बार भी असीं गल की थी कि 1952 दे विच जदों बंगाल दे विच बंगाली जबान की तहरीक चल रही थी तो ढाका यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट मुजाहरे के दौरान पुलिस के हथों मारे गए और बंगाल दे विच उनका खून बड़ी वड्डी तहरीक का बायस बनया और अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और बंगलादेश दो वखरे वखरे मुल्क बन गए। जबान का जोड़ा मसला है वो बड़ा ही हसास और कॉम्पलैक्स और डीप रूटेड है और साढ़े हाँ बदकिस्मती नाल इनू उस तरह लिया नहीं गया। मैं तुहाडे सामने दो तीन गल्लां रखना चाहना वा कि दुनिया दे विच इस वेले तकरीब जिहड़े अकवामे मुतहिदा की वैबसाइट ते लिस्टेड मुल्क ने वो 233 ने। इस वेले तकरीबन 7 अरब तो ज़्यादा आबादी है, 233 मुल्क ने जिहड़े UN दे मैंबरस ने। आबादी के लिहाज नाल पाकिस्तान उन्हां 233 विचों 6वें नंबर ते वे, ठीक है। अच्छा, दुनिया दे विच सिर्फ 12 मुल्क ओ ने 233 विचों जिन्हां दी कुल आबादी साढ़े पंजाब नालों ज़्यादा है। पूरे पाकिस्तान की गल नहीं कर रहा, पंजाब की गल कर रहा। मतलब इहदा इह होया कि 222 मुल्क अजे ने दुनिया दे विच जिन्हां दी टोटल पापूलेशन पंजाब नालों घट है, ठीक है। मैं वड्डे वड्डे कुछ मुल्कां दे तुहानूं नां दस देना और उन्हां दी आबादी दस देना। इहदे तो मैं जिहड़ा नतीजा कढ़ना चाहना वा वह मैं आखिर ते दसांगा। मसलन मिस्र एक बड़ा वड्डा मुल्क है और मिस्र की तहजीब भी बड़ी पुरानी है। मिस्र की आबादी साढ़े पंजाब नालों थोड़ी है, सिर्फ पंजाब नालों। टोटल आबादी उन्हां दी 9 करोड़ 33 लाख है। पंजाब की आबादी 12 से 15 करोड़ के दरम्यान है। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक 11 करोड़ के नेड़े वे। ईरान की आबादी 8 करोड़ है। फ्रांस की आबादी 6 करोड़ 60 लाख है। इंग्लैंड की सारे इंग्लैंड की आबादी 6 करोड़ 50 लाख है। तुर्की की आबादी 7 करोड़ 49 लाख है। कैनेडा एडा वड्डा मुल्क है, उसकी सारी आबादी 3 करोड़ 51 लाख है। जर्मनी की आबादी 8 करोड़ है। बाकी मुल्कों में मैं छोड़ देना, कुछ मुल्क अजे भी ने जिन्हें टोटल आबादी 11 लाख 15 लाख है। अगर इन्ने छोटी आबादी वाले मुल्क अपनियां जबानां नाल जी सकते हैं तो पंजाब 15 करोड़ होने के बावजूद अपनी बोली नाल क्यों नहीं जी सकता। यह एक अजिहा द्रोह है, एक अजिहा जुल्म है जिहड़ा साढ़े नाल पिछले 70 साल तो किया जा रहा है। 70 साल थोड़े ने, बेसिकली इहदा दौरानिया 250-300 साल है। ईस्ट इंडिया कंपनी 200 साल हिंदुस्तान हुकूमत करती रही। पंजाबी वाह जुबान है जिन्हों रियासती ओपरेशन के जरिए रियासत की ताकत के जरिए मारने की कोशिश की गई। जदों चूंकि मैं गल थोड़ी कॉम्पलैक्स और बोरिंग हो जाएगी, मैं विचों बिल्कुल मुख्तसर करना वा। चूंकि पंजाब 1849 के विच गोरिया ने फतेह किया है, कलकत्ता और बंगाल और जेडे कोस्टल सिटीज़ ने उत्थे ईस्ट इंडिया कंपनी 150 साल पहलों आ गई सी। जेड़े मुंशी जेड़े कलर्क जेड़े अंग्रेज़ों के मुलाजम भर्ती हुए वह पंजाबी नहीं सन। जदों अंग्रेज़ पंजाब 1849 आए तो उन्होंने हरकारियां और उन्होंने मुंशियां ने अपनी फाइलों के नोटों में लिखा कि हिंदुस्तानी अमले को पंजाबी जुबान समझने मुश्किल आती है, इसलिए उर्दू नाफिज की जाए। इस तो पहला मुगल शाही के दौरान फारसी जुबान रही है,
मैं दसना यह चाह रहा वहां तुहानू सारयां नूं इहदे च अपना सिर उच्चा करके फखर नाल इह गल ज़हन च रखनी चाहीदी है कि असी उस बोली दे वारस हाँ जिहड़ी ईसा दी पैदाइश तों 5000 साल पहलों भी मौजूद सी, जिहड़ी अशोका दे दौर च भी सी, जिहड़ी अलैगजेंडर दे दौर च भी सी, जिहड़ी अकबर दे दौर च भी सी, और जिहड़ी फिर 250 साल दे अंग्रेज़ां दा जुल्म बर्दाश्त करके अज भी जिउंदी है। और इह वाहिद बोली है जिहड़ी दरबार नाल कदी नहीं जुड़ी, और ये दरबार तो बगैर ये बनिया तो उगे का वांगों हजारा साल अपनी जिंदगी हंडा चुकी है। अज साडे लई एक माण जो गल है वे कि हुण ते सानू थोड़ी होश भी आ गई है और हुण असीं अपनी बोली लई गल भी करन लग पए हां। लिहाजा मैं समझना वा कि पंजाबी दा फ्यूचर बड़ा शानदार है, सानू बिल्कुल घबराण की लोड़ नहीं। अजे मैं इस आबादी दे विच इंडियन पंजाब दे लोग नहीं गिणे, कैनेडा च वसते पंजाबी नहीं गिने और बाकी दुनिया च वसते नहीं गिने। सो कहण दा मतलब ये कि सानू जिहड़ा अपने ते यानी सैल्फ पिटी या की असीं उन कहांगे उहदे तों निकल के ते अपनी बोली ते प्राइड और माण करके ते अगे वधण दी लोड़ है। ते मैं एक दो शरीफ साहब अपना शरीफ कंजाई साहब दा एक शेर है, चूंकि अज मुशायरा है ते फिगर वाली गल्लां जरा बोरिंग भी लगदियां। ओ ये वे कि कदों तीक सवारो सवार चलसी, कदों तीक सवारो सवार चलसी, औड़क हेठली उत्ते भी आवनी है। कदों तीक सवारो सवार चलसी, औड़क हेठली उत्ते भी आवनी है, असी मुद्दतां दे झूठे देंदियां ने मीट लैके खेड मुकावनी है। बड़ी मेहरबानी।